नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑटोमोटिव इंडिया। आज की जो हमारी वीडियो है वो है गवर्नमेंट के जो अब नया डिसीजन आने वाला है कि जो डीजल इंजन्स हैं उनके अंदर 5% एथेनॉल है उसका यूज़ होगा या मिक्स किया जाएगा। तो देखिए, ऑलरेडी आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा या जिनको नहीं पता है कि जब BS6 नॉर्म्स इंडिया के अंदर आए थे उसके बाद से जो आपके ओल्ड इंजन्स थे उनके अंदर जो इंजेक्टर्स हैं वो ख़राब होने का काम स्टार्ट हो गया था और ज़्यादातर इंजेक्टर्स के अंदर ख़राब हो गए हैं। और जो डीजल एडिटिव यूज़ करते हैं वो लोग काफ़ी हद तक अभी बचे हुए इस इशू के साथ में। अदरवाइज़ जो भी ब्रांड्स हैं जिनके जो इंजन्स हैं जिनकी लाइफ बहुत लंबी नहीं रहती है, नाम नहीं लूँगा किसी का, उनके अंदर तो इंजेक्टर्स की बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आ गई है ऑलरेडी। बिल्कुल एक इंजेक्टर्स की अगर आप कॉस्ट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने का आपका खर्चा आ जाता है। तो जो ओल्ड ब्रांड्स हैं और जो रिनाउंड ब्रांड्स हैं जिनके इंजन की लाइफ काफ़ी अच्छी है उनके अंदर फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं BS6 के अंदर। लेकिन एक बार जब एथेनॉल का उसके अंदर एडिशन हो जाएगा तो जो आपके डीजल इंजन्स हैं उनके आप मान के चलिए लाइफ को बिल्कुल ही एक तरह से डिटेरियोरेट या ख़राब करने का एक काम होगा। पहले लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है डीजल इंजन्स के साथ में, जैसे जैसे सरकार की जो पॉलिसी और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चल रही है बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉलिसी है। ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट हमारा जो सेक्टर है पूरा का पूरा डीजल व्हीकल्स के ऊपर है, पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ज़्यादातर लोग क्या, जब डीजल इंजन की बात सुनते हैं तो अपने गाड़ियों के बारे में सोचते हैं, अपनी SUV के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ एक स्मॉल पार्ट या फिर एक कह सकते हैं पार्ट है, जो मेजर पार्ट है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी की सारी आपके डीजल इंजन पे ही है, आपको पेट्रोल इंजन वाले ट्रक्स या फिर अपने कॉमर्शियल व्हीकल्स नहीं मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा उनके लिए। और एथेनॉल मिक्सिंग के बाद तो आप ये देखिए कि जितने भी व्हीकल्स हैं जो BS6 पे ही प्रॉब्लम हो रही थी, इसके बाद में उन व्हीकल्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट का ये जो आर्बिट्री चले जा रहा है डीजल इंजन के खिलाफ, ये क्या चीज़ अब समझ के बाहर हो गई काफ़ी लोगों के भी और हमारे लिए भी कि आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है। डीजल इंजन्स को ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी स्टेट्स के अंदर बैन कर दिया है, डीजल के ऊपर ऑलरेडी आपके सामने इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। जब BS6 नॉर्म्स हमारे यहाँ ऑलरेडी लागू हो गए हैं उसके बाद में ऐसे कदमों का कोई आपके सामने तुक भी नहीं बनता है, ना कोई इन चीज़ों का फ़ायदा है। दुनिया में किसी भी देश के अंदर डीजल के खिलाफ ऐसी मुहिम और कहीं पर भी चल रही है जो आपकी पूरे कहते हैं कि एक कंट्री की ग्रोथ होती है वो आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इतनी बुरी तरह से छेड़ा जाएगा तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये कोई बेनिफिशियल स्टेप नहीं है। और ये क्यों लिया जा रहा है ये भी समझना मुश्किल है। 5 ईयर्स 10 ईयर्स का अगर गैप रखते हैं तो वहाँ तक तो आपके सामने सबको समझ आता है कि हाँ भाई ठीक है, आपको 5 ईयर्स का टाइम दे दिया, 10 ईयर्स का टाइम दे दिया कि हम ये लागू करेंगे। लेकिन जो आर्बिट्री चल रहा है कि साल में कर दिया, 2 साल में कर दिया, 3 साल में ये चेंज आ गया, 4थे साल में ये चेंज आ गया, ये बिल्कुल ही एक ऑटो इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाला कदम है। ऑलरेडी मारुति जैसी कंपनी ने डीजल इंजन बेचने बंद कर दिया, खुद सोच सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ नंबर पे वो अपनी गाड़ियां बेचते थे डीजल की, पेट्रोल से ज़्यादा अपनी डीजल की गाड़ियां बेचते थे। आज मारुति सिर्फ पेट्रोल इंजन ही सेल कर रही है क्योंकि उनको ये पता है कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है दैट इज़ नॉट वेरी कहते हैं पारदर्शी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं क्लीन है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस बारे में हम क्या करेंगे। तो इसीलिए जो लोग भी डीजल गाड़ी लेने का सोच रहे हैं एक बार आप फिर सोच लीजिएगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आ रही है कुछ नहीं पता कब वो डीजल इंजन को ही बैन कर दें। अभी तो 10 साल तक की बात चल रही थी आपके सामने, लेकिन कभी भी आर्बिट्री वो डीजल को ही बैन कर सकते हैं। और इसके बाद में जो लोग सोच रहे हैं पेट्रोल गाड़ी ले लेंगे तो नंबर पेट्रोल गाड़ी का भी आएगा आपकी। गवर्नमेंट का जो पुश है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ है जिनका कार्बन एमिशन एक अलग लेवल पर, नेक्स्ट लेवल कार्बन एमिशन है उन चीज़ों का, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ज़ीरो है। लेकिन गवर्नमेंट का जो पुश है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ही है। तो इस बारे में तो हम और कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो भी डीजल इंजन गाड़ियाँ लेने की सोच रहे हैं, SUV लेने की सोच रहे हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।